किसी साधु संत को नमन करते और सेवा सत्कार करते तो आपने बड़े बड़े अफसरों और नेताओं को देखा ही होगा। लेकिन इन आईए साहब ने तो अपनी कुर्सी ही मंदिर के महाराज को सौंप दी और उनके आगे ऐसे नतमस्तक हो गए जैसे कह रहे हों कि बस जो भी है वो आप ही की कृपा है। वीडियो में नजर आ रहे ये अफसर साउथ वेस्ट दिल्ली के DM लक्ष्य सिंगल है और कुर्सी पर बैठे ये महाशय हनुमान मंदिर के पुजारी सतीश महाराज है। वीडियो को गौर से देखिएगा। पहले तो DM साहब महाराज को शॉल उड़ाते हैं और फिर उनके आगे हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाते हैं। महाराज भी फुल टशन में दिखाई दे रहे हैं, चेहरे की भावभंगिमा बता रही है जैसे DM साहब को कोई निर्देश मिल रहे हो, जिनके जवाब में वो महाराज के सामने हाथ जोड़कर जी हाँ का रट्टा लगा रहे हो। पास में खड़े लोगों को भी महाराज जी की सेवा में देखा जा सकता है। महाराज के गले में एक सुंदर और बड़ी गुलाब की माला भी देखी जा सकती है। यही नहीं, महाराज का मुंह मीठा कराने के लिए भी प्रबंध किया गया था। टेबल पर ऑफिस की फाइलों के साथ मिठाई का डब्बा भी देखा जा सकता है। हालांकि ये मानना गलत नहीं है कि सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, लेकिन अपनी श्रद्धा में DM साहब इतने डूब गए कि सरकारी ऑफिस डेकोरम की धज्जियां उड़ा दी। हालांकि हो सकता है कि इसके बाद महाराज जी की कृपा DM साहब पर बरस भी जाए, लेकिन आलाकमान की ओर से गिर सकने वाली गाज से DM साहब कैसे बच पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। वीडियो कितना पुराना है फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन अभी के लिए ये वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। प्रशासन ने DM के खिलाफ क्या एक्शन लिया है इस बात की भी फिलहाल जानकारी मिलनी बाकी है, लेकिन ये एक्शन सख्त होने वाला है इसकी पूरी पूरी संभावनाएं नजर आ रही है। फिलहाल जनता जनार्दन की ओर से DM साहब को लगातार निर्देश मिल रहे हैं और खूब खरी खोटी भी सुनाई जा रही है। एक यूजर लिखते हैं, धर्मांधता और पाखंड को बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ पढ़े लिखे लोगों का होता है, जबकि बदनाम बिना पढ़े लिखे लोग होते हैं। एक और यूजर ने लिखा, इसे सस्पेंड क्यों नहीं किया गया अब तक। एक और यूजर ने लिखा, सस्पेंड करो इस पाखंडी को, एक पंडित को कोई कैसे प्रशासनिक कुर्सी पे बिठा सकता है। एक और यूजर ने लिखा, ये कुर्सी सिंघल की व्यक्तिगत नहीं है, अधिकारी के रूप में इस तरीके का व्यवहार ठीक नहीं है, कर्मचारी आचरण नियमावली भी कोई चीज है, पब्लिक में सेक्युलर होना चाहिए, व्यक्तिगत कुछ भी करें। इसी बीच कुछ लोगों का ये भी कहना था, अगर यहाँ मंदिर के पुजारी की जगह मस्जिद के मौलवी होते तो DM साहब अपनी नौकरी से हाथ धोते। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मंदिर के महाराज को कुर्सी पर बिठाना सही करार दिया। उनके मुताबिक अपने गुरु की पूजा करना कोई बुरी बात नहीं। बताते चलिए कि लक्ष्य सिंगल साल 2018 बैच के IAS अधिकारी हैं। लक्ष्य सिंगल ने UPSC परीक्षा के दूसरे अटेम्प्ट में 38वीं रैंक हासिल की थी। बताया जाता है कि 12वीं के बाद लक्ष्य ने बहुत से इंजीनियरिंग एग्जाम दिए थे, लेकिन कोई भी क्रैक नहीं कर पाए। इससे उनके परिवार का बचा हुआ कॉन्फिडेंस भी खत्म हो गया था। इसके बाद लक्ष्य सिंगल को भी अपनी काबिलियत पर शक होने लगा था, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने UPSC परीक्षा करने की ठानी। पहले राउंड में भी लक्ष्य सिंगल प्री और मेंस पास करके इंटरव्यू राउंड तक पहुंच गए थे, हालांकि वो इंटरव्यू राउंड क्लियर नहीं कर सके। इसके बाद अपनी कड़ी मेहनत के दम पर दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने 38वीं रैंक हासिल की, जिसके बाद लक्ष्य सिंगल कुछ दिनों तक खूब सुर्खियों में रहे। हाल ही में ये वीडियो उन्हें एक बार फिर से सुर्खियों में लाने का कारण बना है। बहरहाल इस वीडियो को देख कर आपके जहन में क्या विचार आए हमें जरूर बताएं कॉमेंट बॉक्स में, और देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।